पाइचाम या फिर आपके जो जुपिटर नोटबुक होगा उसमें यदि एरर आता है, किस टाइप का एरर, कि मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, इस तरह का एरर यदि आपके पास आता है तो इसमें आपकी गलती कोई भी नहीं है, ये दरअसल सिस्टम की गलती है। मैं आपको बताता हूँ उसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है, क्यों इसके पीछे ये गलती आती है, उसको सुधारे कैसे जा सकता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। पूरा सल्यूशन आपका इस वीडियो में आपका हो जाएगा। तो देखिए, आप जब कभी भी पाइचाम की जुपिटर लैब में, जुपिटर नोटबुक में या फिर आप किसी भी नोटबुक में लिखते होगे तो उसमें एक एरर आता होगा, मॉड्यूल नॉट फाउंड। वो इसलिए आता है क्योंकि पाइचाम क्या करता है, एक गलती कर देता है इंस्टॉल करते समय। ये उसकी मतलब एक तरीके से ये समझ सकते हो सबसे बड़ी फॉल्ट है, और वो पता नहीं क्यों ऐसा डिफॉल्ट में लगा कर रखता है। तो उसके लिए आपको jetbrains.com पे जाना है, वेबसाइट पे जाने के बाद ये कम्युनिटी वर्जन जो है यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है ना। और विंडोज के लिए कम्युनिटी वर्जन है, तो ये हमारा स्टार्टिंग हो चुका है डाउनलोड में। और मैं आपको अभी इसको ओपन करके और जो सेटिंग मैं करूँ वही सेटिंग आपको करनी है, और फिर उसके बाद आपका कभी भी मॉड्यूल नॉट फाउंड का जो एरर है वो हमेशा के लिए चला जाएगा। और इसके पीछे कारण भी बताऊंगा कि इसके पीछे रीजन क्या है। इसके पीछे दरअसल रीजन ये है कि जो ये हमें IDE प्रोवाइड कराता है, जब ये हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो वो एक प्रो वाले के लिए IDE प्रोवाइड करा देता है, यानी कि इसकी एक फॉल्ट है। वो फॉल्ट ये है कि जब इसको इंस्टॉल करना चाहिए तो लोगों से पूछना चाहिए, मतलब जो एक नया यूजर होता है तो वो क्या सोचता है, उसको पता ही नहीं होता कि कोडिंग काम कैसे करती है कैसे नहीं काम करती है। तो वो क्या करता है कि जो होता है एक जो इन्वायरमेंट होता है, जैसे कि IDE का यदि आपको फुल फॉर्म मालूम हो तो इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, लेकिन ये क्या करता है कि ये जो है वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है, जिसके कारण से यानी कि जो इसकी डिफॉल्ट में सेटिंग लगी हुई है, जब कोई नया व्यक्ति जो प्रो नहीं है जो नहीं कुछ जानता है तो उसमें सेटिंग ऑलरेडी लगी होती है कि वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दो, जबकि यदि कोई प्रो अगर यूजर होगा तो खुद ही नहीं बना लेगा वर्चुअल एनवायरनमेंट अपने लिए। तो यहाँ पे इसकी एक गलती है जेटब्रेन्स की, और यही सेटिंग के चलते आप जब इसको इंस्टॉल करते हो तो जो है ये वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है, लेकिन आपको जो है ये वर्चुअल एनवायरनमेंट नहीं बनाना है, आपको डेवलपमेंट प्रोग्राम एनवायरनमेंट को ही रखना है और ये 100% रन कर जाएगा। तो देखिए मैं कैसे करता हूँ, सारी बिल्कुल इसी तरह से कीजिएगा, आपके सामने 100% ये काम आपका हो जाएगा, कोई भी एरर फिर उसके बाद यहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ पर इसको हम नेक्स्ट करेंगे, वेलकम टू पाइचाम कम्युनिटी इस तरह से ओपन होकर आ गया। इसको नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे तो जो है आपको इसकी लोकेशन दे देनी है, तो मैं लोकेशन का एजेटिज रख देता हूँ, कोई चेंज नहीं मुझे करना है। और उसके बाद यहाँ पे है असली, यहाँ पे चीज़ जो देखने वाली है वो यहाँ पे है। आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे जो है ये डॉट पाई लगा देना है, ठीक ना, ये डॉट पाई को यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है और उसके बाद नेक्स्ट पे बढ़ जाना है, ठीक है ना। जो मैं करता था वैसे आपको करना है। यहाँ पे JetBrains लिखा है, लिखा रहने दीजिए, इंस्टॉल कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग होगी, आप चाहो तो डिटेल भी चेक कर सकते हो। चलिए हो जाने देते हैं 100%, फिर आपको दिखाते हैं और कुछ इसकी सेटिंग भी बता दूंगा जिससे आपका ये अट्रैक्टिव लगने लगेगा पाइचाम पाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ऊपर सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए यहीं पे मेन चीज़ आपको समझने वाली है। यहाँ पे आपको जो सेटिंग में देख रहे होगे आप कि यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे जो इन्होंने पाइचाम वालों ने क्या किया है, यहाँ पे जो वर्चुअल एन्वायरमेंट ऊपर क्रिएट कर दिया, यानी कि न्यू एन्वायरमेंट यूजिंग वर्चुअल दिख रहा होगा आपको, उसको हटा करके ऊपर से मुझे यहाँ पे एग्जिस्टिंग पे लाना है। एग्जिस्टिंग पे लाने के लिए मैं ऊपर से हटाऊँगा क्या, नीचे वाला आप चूज़ कर लीजिए। यहाँ पे मैं देखिए आपके सामने अभी एरर आएगा, मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि उस समय मेरा माइक बंद था, वीडियो शूट हो चुका था। तो यहाँ पे देखिए मैंने नीचे चूज़ किया, चूज़ करने के बाद ऊपर वाला हट चुका है, ठीक है, वही बस उसी गलती की वजह से यहाँ पे आता था। उसके बाद इंटरप्रेटर आपको नई छिड़कानी करनी है, उसके बाद आपको साइड में जाना है, अपने लेफ्ट हैंड साइड में आपको तीन डॉट बिंदु मिलेंगी, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने से पैनल ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको सिस्टम इंटरप्रेटर दिख रहा होगा, ठीक है ना। अभी मैं सिस्टम इंटरप्रेटर पर जाऊँगा, तो अभी देखिए मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, फिर मैं आपको बता दूँ, ठीक है। वीडियो पहले ही शूट हो चुका है, सिस्टम इंटरप्रेटर में गया और यहाँ पे एक फाइल आपको मिलेगी, एक उसी का फाइल को चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद यहाँ पे ओके की बटन नीचे होगी, उस पर आपको क्लिक कर देना है, तो ये आपका जो है सही एक IDE आपको मिल जाएगी जो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करती होगी, और आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट से डिफॉल्ट में जो सेटिंग पाइचाम वालों ने लगा दी थी उससे हट जाएगी। देखिए मैंने ओके किया और यहाँ पर फाइनली मेरी सेटिंग मेरे हिसाब से बन गई। अब आपका कोई भी मॉड्यूल यहाँ पे ये एरर नहीं दिखाएगा कि मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर दिखाए। अब देखिए यहाँ पे नीचे मैं ओके कर दूंगा और बस ये जो है इम्पोर्ट हो जाएगी ये सेटिंग। अब ये सक्सेसफुली यहाँ पे ओपन हो चुका है।
तो इस तरह से कुछ आप यहाँ पे अपनी जो सेटिंग है उनको ठीक तरीके से कर सकते हो। अब यहाँ पे आप कोई भी फाइल में मॉड्यूल इंपोर्ट कराओगे या फिर कुछ भी करवाओगे आपकी 100% इंपोर्ट हो जाएगी 100%। यदि आपने मेरे के अनुसार पूरे वीडियो को देखा होगा, फॉलो किया होगा, वीडियो कितना हेल्पफुल रहा कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। यदि आपको इस वीडियो के अदर कंटेंट पसंद आए, चेकआउट जरूर, एक्सप्लोर जरूर चैनल को कीजिएगा।